नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। जूस में थूक तो कभी खाने में मिलावट, ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में शामली जिले में एक जूस विक्रेता जूस बनाते वक्त उसमें थूकते हुए नजर आया। यही वजह है कि योगी सरकार ने अब कड़ा फैसला ले लिया है। योगी सरकार ने फरमान जारी किया है कि अब खाने पीने वाली दुकानों की सघन जांच होगी। यही नहीं, अब रेस्टोरेंट और ढाबे में काम करने वाले कर्मचारियों का भी वेरिफिकेशन होगा। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव ने लोगों की राय ली। देखिए ये रिपोर्ट। तिरुपति में प्रसाद में जो जिस तरीके से मिलावट की बात सामने आ रही थी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ तौर पर निर्देश जारी किया है कि जो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन केंद्र यानी लखनऊ का जो FSDA डिपार्टमेंट है वो सक्रिय हो जाए, क्योंकि जो मिलावटखोरी कहीं ना कहीं सामने आ रही थी, पशुओं की चर्बी को मिलाने का मामला जो सामने आ रहा था, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त तौर पर निर्देश जारी किया है। यानी जो आदेश पहले जारी हुआ था कि खान पान को लेकर के यदि कोई दुकान रेस्टोरेंट ढाबा है तो वो अपने सिर पर वो कैप लगाएंगे, हाथों में ग्लव्स पहनेंगे और अपने दुकानों के सामने वो अपना नाम, अपने दुकान का नाम अंकित करेंगे, वो डिस्प्ले पर होना चाहिए। तो अब ये किस तरीके से हो सकता है? अब अगर बात खाने की जाए तो हमारे पीछे एक छोटा सा ठेला लगा हुआ है। अब ये ठेला है रामू का है, श्यामू का है, अब्दुल्ला का है, किसका है पता नहीं है, लेकिन मिलावट किस चीज़ में हो सकती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये जाँच का विषय है, लेकिन लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब इस तरीके की मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जितने रेस्टोरेंट्स हैं ढाबे हैं उन ढाबों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और उस अभियान के तहत उसकी चीज़ों को देखा जाएगा कि आखिर जो चीज़ें खाने योग्य बनाई गई हैं वो उपयोगी है, वो स्वास्थ्य के लिए कैसा है। तो ऐसे में FSDA डिपार्टमेंट जो अभी वर्षों से सोया हुआ था वो मजिस्ट्रेटियल उसके अंतर्गत आता है। लखनऊ जिलाधिकारी की अगर बात करें तो अभी मेरी FSDA के अधिकारी से बात हुई है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी उनके पास तक निर्देश नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस तरीके से बात सामने आ रही है ब्यूरोक्रेसी से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर इस बात को कह दिया है कि किसी भी प्रकार की मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरीके से तिरुपति में प्रसाद में मिलाने की बात सामने, चर्बी मिलाने की बात सामने आ रही थी, उसको लेकर के सोशल मीडिया पर कई भ्रामक खबरें भी आई हैं। कई जगह ऐसा भी आया है कि खाने की चीज़ों में कुछ अराजक तत्वों ने कुछ उसमें चीज़ें मिलाई हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं। कुछ लोग हैं बात करते हैं, मुख्यमंत्री का एक फैसला है कि जितनी दुकानें हैं उन दुकानों पर मिलावटखोरी ना हो, वो अपने हाथ में ग्लव्स पहने और बाल ना गिरे खाने में, इसलिए सर पे कुछ लगाएं। क्या लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए? दुकानों के सामने नाम होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए सर, होना चाहिए। अभी जिस तरीके से प्रसाद में चल रहा है बवाल, अरे ये तो गलत बात है। गलत बात है ना जी। खाने पीने की चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चीज़ से निर्देश किया है तो क्या लगता है कहाँ तक सही है? नहीं, सही बोल रहे हैं गंदी जी। खाने पीने की चीज़ में बिल्कुल हाथ में ग्लव्स लगाना चाहिए, सफाई से हर ध्यान चलाना चाहिए, ठेला वाला के नीचे जो कूड़ा करकट रहता है उसको सब सही से डस्टबिन में डालना चाहिए। खाने पीने के एकदम सही हाथ सफाई से पूरा रखना चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल सही है, इसके लिए ज़रूरी है करना, क्योंकि बहुत सारे लोग को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत लोग गंदगी बहुत सारी फैल रही है, इसके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, स्वच्छता के लिए लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार लाख जतन कर रही है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ नगर निगम भी लगातार साफ सफाई को लेकर के कटिबद्ध है, लेकिन अगर बात की जाए खान पान की, रोटी दाल आटा, इसको लेकर के मुख्यमंत्री का साफ तौर पर निर्देश है कि उसकी जाँच की जाए। FSDA डिपार्टमेंट जिला प्रशासन के साथ में जितने भी ढाबे और रेस्टोरेंट्स हैं उनकी जांच की जाएगी, उनकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी। तो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया कि जिस तरीके से ये ढाबा है तो ये ढाबे के बारे में आप नहीं जान सकते कि इसमें कौन से तेल का उपयोग किया गया है, किस बेसन का उपयोग किया गया है और कौन से आटे का उपयोग किया गया है। तो तिरुपति में आपने देखा कि जिस तरीके से प्रसाद में मिलावट के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक कड़ा रुख अपनाया, और लखनऊ में उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो खाद्य और औषधि प्रशासन जो केंद्र है उनको जगाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल FSDA डिपार्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं सोया हुआ था। आज भी जब मेरी बात FSDA डिपार्टमेंट के अभी अधिकारी से हुई तो उनका साफ तौर पर यह कहना कि अभी मुझे आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश कर दिया है कि जितने भी रेस्टोरेंट्स या ढाबे हैं उन ढाबे के जो संचालक होंगे, सेफ होंगे या वेटर होंगे, उनको हाथ में ग्लव्स पहनना होगा। और सबसे बड़ी बात, जिसके लिए सावन के महीने में एक बवाल चला था, उस बवाल को भी बताऊं कि फिर से वो कहीं ना कहीं अब जन्म लेने वाला है, क्योंकि अब जितने भी होटल संचालक होंगे या रेस्टोरेंट संचालक होंगे या ढाबा संचालक होंगे उनको अपना नाम डिस्प्ले पर अंकित करना होगा,
अपने मैनेजर का नाम अंकित करना होगा और इसकी सारी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। अगर खान पान की चीज़ों में किसी प्रकार की भी कमी आती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रोवाइडर की होगी, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था। अब आप देखिए, हमारे सामने एक होटल है, बहुत छोटा सा होटल है, काफ़ी सालों से चल रहा होगा। अब इसमें क्या हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ में मिलावट हुआ है या कौन सी चीज़ मिला करके बेची जा रही है, तो जांच के बाद का विषय है। लेकिन फिलहाल अपनी जीविका चलाने के लोग अपना काम कर रहे हैं। और जो देश में जो बात बढ़ी कहीं ना कहीं तिरुपति में, वो तिरुपति में जिस तरीके से प्रसाद में मिलावट को लेकर के बातें उछली हैं, कहीं ना कहीं देश की राजनीति को उछाल दिया है उसने। तो ऐसे में अब ये मामला छोटे दुकानदारों से लेकर के बड़े दुकानदारों तक पहुँच रहा है। तो ऐसे में अब ये जाँच का विषय है। फिलहाल FSDA डिपार्टमेंट किस तरीके से अपना काम करेगा तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इस दुकान के मालिक बैठे हुए हैं। चाचा, आप बहुत साल से यहाँ पे दुकान कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कभी आपने सोचा होगा कि हम किसी को गलत चीज़ खिलाएं या कभी ऐसा कभी आपके लिए? हम कैसे सोचेंगे। तो कितने साल से आपकी दुकान है? 10-12 साल से। तो अब एक आदेश हुआ है कि जितने भी ढाबे हैं या संचालक हैं उनके हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, और जब नियम हो गया तो उसका पालन किया जाए। एक सबसे बड़ी बात और कही जा रही है कि होटल संचालक यानी जिनकी दुकान है वो अपना नाम अपने दुकान के सामने अंकित करेंगे, सही है गलत? नहीं, जब मुख्यमंत्री जी का आदेश है तो किया ही जाएगा, उसको लिख के टांगा जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, इसमें भी कोई कहने वाली बात नहीं कि कोई दुकान वो रामू श्यामू या अब्दुल्ला या फैज किसका है, ये तो एक अलग बात होती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से खान पान की चीज़ें कहीं ना कहीं बिगड़ रही, क्या लगता है कि खान पान की चीज़ों को सुधारना चाहिए? जो दुकान है, ढाबे हैं, उनको हाथ में ग्लव्स पहने होना चाहिए, उनकी शुद्धता, जो तेल है जिसमें फ्राई करके खिलाते हैं, कैसा चाहते हैं, क्या होना? बिल्कुल होना चाहिए इस टाइप से, साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, और जैसा आपने बोला कि ग्लव्स का यूज़ होना चाहिए और नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जो कि फूड डिपार्टमेंट का एक मतलब रूल रेगुलेशन है, वो फॉलो होना चाहिए। फूड डिपार्टमेंट अभी तक सो रहा था, आज मुख्यमंत्री का एक आदेश हुआ है, उसके बाद अभी कुछ देर के बाद फूड डिपार्टमेंट जग जाएगा और उसके बाद सभी ढाबे पे और रेस्टोरेंट पे वो जा करके जाँच करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो होटल के संचालक का नाम अंकित करने के लिए कहा गया है, कहाँ तक लगता है सही है या गलत? ठीक है, अब मुख्यमंत्री जी का आदेश है तो पालन होना चाहिए। नहीं, मुख्यमंत्री जी का आदेश हो या जिस तरीके से आदेश हुआ है कि अगर अपने नाम के सामने प्रोवाइडर सिर्फ अपना नाम डाले कि वो किसका दुकान है, तो क्या ये सही है या गलत? ठीक है, वैसे भी ज़्यादातर दुकानों पे बोर्ड लगा ही होता है, अब जो छोटे छोटे ढाबे हैं उन पे नहीं लगा होता था, अब उन पे भी लगेगा। ज़्यादातर लोगों के बोर्ड लगे ही होते हैं 90%। अब भाई, ये जिनका छोटा सा ढाबा इतना महंगा बोर्ड या अफोर्ड नहीं कर सकते तो छोटा मोटा लगा लेंगे अपना, बस ये 90% पे तो लगा ही होता। तो रही बात ये बोर्ड लगाने की, डिस्प्ले पर नाम अपना अंकित करने का तो बात अलग होगा, लेकिन खान पान, रोटी दाल और आटा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर यह कहना है कि जो रोटी दाल और आटे में मिलावट की बात कही जा रही थी, उस मिलावट को लेकर के FSDA डिपार्टमेंट को जगाया गया है और वो डिपार्टमेंट प्रशासन के साथ में जा करके सघन चेकिंग अभियान करेगा, यानी पूरे प्रदेश की बात की जाए, लखनऊ से शुरुआत हो रही है उसकी, और लखनऊ में जितने भी ढाबे हैं, जितने भी होटल हैं, उन होटलों पर पहुंच करके डिपार्टमेंट जांच करेगा। अब ये देखने वाली बात होती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातों का कितना असर उनके अधिकारी उनके माथा करते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रितेश श्रीवास्तव, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।